नस्ली मानसिकता के खिलाफ अमेरिका समेत दुनिया भर में चल रहे आंदोलनों के बीच यूनिलीवर कंपनी अपने सौंदर्य उत्पाद फेयर एंड लवली का नाम बदलने जा रही है। यूनिलीवर कंपनी सिर्फ फेयर एंड लवली ब्रांड से ही भारत में सालाना 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा का कारोबार करती है। दुनिया भर में अश्वेतों के प्रति भेदभाव रोकने की मुहिम के बीच गोरे रंग को बढ़ावा देने वाली क्रीम को लेकर भी सवाल उठे हैं। यूनिलीवर ने कहा कि वो अपने ब्रांड की पैकेजिंग से फेयर, व्हाइटनिंग और लाइटनिंग जैसे शब्दों को हटा देगी। इसके अलावा विज्ञापनों और प्रचार सामग्री में हर रंग की महिलाओं को जगह दी जाएगी। भारत के अलावा ये क्रीम बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान और एशिया के कई देशों में बिकती है। अमेरिका में एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से ही पूरी दुनिया में नस्लीय मानसिकता को लेकर बहस छिड़ गई है। तमाम जगहों पर ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।